Hello my dear students, welcome again in my YouTube channel Let's Study by Hitesh Sir. In this video we are going to discuss about letter. Letter writing is an art. Letter writing क्या होती है बेटा? Letter writing एक art होती है. It is nowadays an essential part of life, personal as well as professional. और इन दिनों ये एक essential part बन गया है हमारे जीवन का, चाहे वो personal life हो चाहे वो professional life हो. A letter is a substitute for conversation. It is nothing but speaking with a pen. A good letter always impressive. It should be simple and informative. इसका मतलब है बेटा कि जो लेटर है वो कन्वर्सेशन का सब्स्टिट्यूट है, ठीक है. और क्या है, एक लेटर जो है वो हमेशा ही इम्प्रेसिव होता है, और कैसा होना चाहिए, वो सिंपल और इन्फॉर्मेटिव, यानी हमें उससे इन्फॉर्मेशन भी मिलनी चाहिए. अब आती है मेन पॉइंट्स. मेन पॉइंट्स की बारी आती है कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो हम एक लेटर राइटिंग में अपने माइंड में रखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिप्लेस लॉन्ग वर्ड्स विद शॉर्टर वन. ठीक है, इसका मतलब है कि जो हम काफ़ी बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं उसको अपने लेटर में ना रखें, उसके जगह हम छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करें. नेक्स्ट है हमारा रिमूव अननेसेसरी वर्ड्स. ठीक है, अननेसेसरी वर्ड्स को हम क्या कर दें, रिमूव कर दें, यानी वो वर्ड्स जो हमें ऐसा लग रहा है कि हम अगर इसको ना लिखें तो भी हम अपनी बात को समझा पाने में सक्षम हैं, तो हम उनको रिमूव कर दें. नेक्स्ट बेटा, लैंग्वेज मस्ट बी सिंपल. जो आपकी लैंग्वेज है वो कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए. ठीक है, कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए. नेक्स्ट है आपका, योर लेटर मस्ट हैव एन एरर फ्री, कंसाइज, क्लियर, फ्रेश एंड एज कॉम्पिटिशन इज हाई. देखो इसमें है, योर लेटर मस्ट हैव एन एरर फ्री. आपका जो लेटर है वो कैसा होना चाहिए बेटा, वो होना चाहिए एरर फ्री, यानी उसमें मिस्टेक्स ना हो. और कैसा हो, कंसाइज हो, यानी शॉर्ट में आप अपनी बात अच्छे से कह पा रहे हो, क्लियर हो, साफ़ सुथरा हो, फ्रेश हो. और क्या है, इट मस्ट बी फाइनली क्राफ्टेड पीस ऑफ वर्क. और कैसा होना चाहिए, ये क्राफ्टेड पीस ऑफ वर्क होना चाहिए, यानी बहुत साफ़ सुथरा, जिसमें हमें सब कुछ समझ में अच्छे से आ रहा हो. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट ऑफ लेटर. ठीक है, फॉर्मेट ऑफ लेटर. अब इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा लेटर है उसकी फॉर्मेशन क्या रहेगी, लेटर है जो उसकी फॉर्मेशन क्या रहेगी, लेटर फॉर्मेट. सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा, सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं. ठीक है, सेंडर्स एड्रेस, यानी इसमें क्या करेंगे, जो भेजने वाला है, यानी अगर मैं लेटर लिख रही हूँ, आप लेटर लिख रहे हो, आप लिख रहे हो तो अपना लिखोगे, और मैं लिख रही हूँ तो मैं मेरा लेटर, मेरा एड्रेस लिखूँगी. ठीक है, नेक्स्ट है बेटा एड्रेस ऑफ एड्रेसी और रिसीवर, या जिसका, जिसके पास हम लेटर भेज रहे हैं फिर उसका एड्रेस लिखेंगे. नेक्स्ट है हमारा, मेंशन करेंगे हम उसके बाद डेट, फिर सैल्यूटेशन का मतलब होता है सर और मैम, उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट, जिस विषय पर हम लिखना चाह रहे हैं उसको मेंशन करेंगे, उसके बाद हम करेंगे बेटा बॉडी. ठीक है, बॉडी का मतलब क्या है, बॉडी में हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम कौन सी है उसके बारे में बताएंगे, उसके काजेज़ क्या हैं उसके बारे में बताएंगे, यानी कारण क्या है, समस्या क्या है, और उसके लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, ये हम इसमें बताते हैं. देन हमारे पास आता है योर्स फेथफुली और सिंसियरली, जो हम इसके बाद मेंशन करते हैं, एंड आफ्टर दैट नेम एंड सिग्नेचर ऑफ सेंडर, इसके बाद नेम और सिग्नेचर जो हम, जो भेजने वाला है उसका. तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम किसी लेटर को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए अपनी लेटर राइटिंग में अपने माइंड में रखते हैं, और ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती हैं. तो इस तरह से अगर हम लेटर राइटिंग में इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो हम अच्छे से लेटर जो है वो लिख पाते हैं. आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, और इफ़ दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू प्लीज़ शेयर माई चैनल, सब्सक्राइब माई वीडियो, लाइक माई वीडियो, कमेंट एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट, यू विल गेट
लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट माई चैनल और वीडियोज़। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बाय बाय।